दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं सबकी मनपसंद मिठाई गुलाब जामुन। बच्चों को बड़ों को सभी को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आती है ये मिठाई, और खासकर से दिवाली के त्यौहार की तो ये समझ लीजिए कि शान है। गुलाब जामुन यानी दिवाली याद आ जाती है सबको। और जैसे कि आप जानते हैं कि दिवाली बहुत पास है, नज़दीक आ रही है, तो हम चाह रहे थे कि चलिए गुलाब जामुन बनाया जाए और आप सबको बताएं कि गुलाब जामुन किस तरीके से बनाया जाता है। आइए चलिए देखते हैं गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें क्या किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये 200 से 250 ग्राम लगभग खोआ है हमारा, दूध से हमने इसको करके निकाला था बना के, और 3 कप चीनी हमने ली है, इसकी चाशनी बनाएंगे अभी। काजू लिए हैं, कुछ 4-5 काजू हमने बारीक बारीक कट कर लिए हैं, बादाम कट कर लिए हैं बारीक। ये मैदा लिया है हमने, ये एक बड़ा टेबलस्पून मैदा हमने लिया है, और पिस्ता 2-4 पिस्तों को हमने जो है बारीक कर लिया है। दोस्तों जो मैदा है, ये मैदा इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, एक बड़ा टेबलस्पून हमने लिया है, लेकिन हमें देखना होगा जब हम खोए में मैदा मिलाएंगे और मिलाते टाइम अगर हमको लगता है कि खोआ बहुत ज़्यादा चिकना है और शायद मैदा की क्वांटिटी उसमें ज़्यादा हो कि गोलियां नहीं बन रही हैं, तो हम मैदा मिला सकते हैं। और अगर हमें लगता है कि कम मैदा में गोलियां कम अच्छे से बन रही हैं तो हम मैदा को कम कर सकते हैं। तो इसलिए कोई ज़्यादा उसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हाँ खोए की क्वांटिटी से मैदा बहुत कम रखनी है हमको। चलिए आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले हम चाशनी का घोल बना लेते हैं। दोस्तों ये भगोने में हमने 3 कप चीनी ली थी और 3 ही कप हम इसमें पानी मिला देंगे। जब इसका उबाल आने लग जाएगा तब हम एक बार इसको चेक कर लेंगे। और चाशनी का कुछ ऐसा ये नहीं है कि चिपचिपी रखनी है कैसी रखनी है, बस आपको चाशनी लगनी चाहिए थोड़ी सी, थोड़ा सा हल्का सा चिपका चिपकाहट आना चाहिए चाशनी में, तो समझ जाइए कि आपकी चाशनी तैयार है। क्योंकि हमें इसको 2-3 दिन फ्रिज में स्टोर करने के लिए भी रखना होता है, तो उस हिसाब से हमको चाशनी तैयार करनी होती है ताकि वो जम ना जाए। दोस्तों जब तक चाशनी तैयार होती है हमारी, चलिए आइए हम खोवा तैयार कर लेते हैं। खोवा काफी चिकना बना है हमारा और काफी सॉफ्ट है। इसको हमें मथना है। हम एक काम करते हैं, इसमें हम मैदा मिला के साथ के साथ ही इसको मैदे के साथ में ही हम इसे मथ लेंगे। थोड़ी सी मैदा हम बचा लेते हैं, पहले इसको एक बार अच्छे से मथते हैं इसको। इसे कम से कम आपको 5-6 मिनट तक मथना होगा। इसमें थोड़ी सी दोस्तों आपकी मेहनत लगेगी और ये मेहनत आपको करनी होगी अगर आपको गुलाब जामुन का सही स्वाद चाहिए। गुलाब जामुन वैसे तो दोस्तों पाउडर के हर तरह का बनता है, बना लेते हैं लोग, लेकिन असली स्वाद खोए के गुलाब जामुनों में ही आता है और बहुत लाजवाब स्वाद आता है ये। दोस्तों हमने ये चकला जो जिसपे आप रोटी बनाते हैं वो लिया है और पत्थर का ही है, तो उसी पे हम इसको अच्छे से मसल रहे हैं। क्योंकि जितना इसको अच्छा मसलेंगे आप और जितना अच्छा इसका मिक्स करेंगे आपस में पूरा मैदा और मावा को, वो तभी उसमें टेस्ट आएगा। इसको अच्छे से मत लेते हैं, इसको 5 से 6 मिनट तक ऐसे ही मतते हैं। इसी तरीके से इसे मत्थे रहना है दोस्तों। और आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारा घी निकल गया हमारे हाथों में, आप देख सकते हैं बहुत चिकनाहट आ गई है, घी बहुत आ गया है। इसको एक बार हम हल्का सा चेक कर लेते हैं गोली बना के, अगर सही से गोली बनती है तो ठीक है, वरना फिर हम इसमें थोड़ी सी मैदा और मिला लेंगे। गोली को इस तरीके से आपको दोनों हाथों से हल्का हल्का दबाते हुए राउंड करना है और एक बार इसको गोलाई दे देनी है। दोस्तों बढ़िया से गोला बन गया है और आप देख सकते हैं इसको हमने चारों तरफ से दबा लिया है, मैदा हमारा चिकना हो चुका है। ये जो जिस तरीके से ये फटा है साइड से, इस ये क्योंकि चिकना बहुत हो गया है मैदा, इस वजह से सॉरी अपना खोआ बहुत चिकना है, इस वजह से ये हो रहा है। हम इसमें जो बची हमने थोड़ी सी जो मैदा हमने बचाई थी वो भी हम इसमें मिला लेंगे। और अगर आपके पास इस तरह का चकला नहीं है या आपको कहाँ पे इसको मावा को किस तरीके से मसलना है, इस तरीके से मथना है, कहाँ करना है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कढ़ाई ले सकते हैं। जो भी अगर आपके पास कोई बड़ी कढ़ाई है तो आप कढ़ाई लेके कढ़ाई के अंदर इसको आप ले सकते हैं।
क्योंकि ये साइडों में गिरेगा भी नहीं और आसानी से आप इसको मथ सकते हैं। आप इसमें आराम से जिस तरीके से आप आटा लगाते हैं, गूंथते हैं, उसी तरीके से आप इसको मथ लीजिए अच्छे से। मावा अच्छे से मथ लिया है हमने और पूरा अच्छे से मिल गया है। इसको 1-2 मिनट ऐसे ही रख के आइए अब हम एक बार चाशनी हमारी चेक कर लेते हैं। चाशनी पूरी तरह से घुल गई है और एक बार हम इसको चेक कर लेंगे। अभी दोस्तों कुछ भी इसमें मतलब चिपचिपापन नहीं आया है, बस ये पानी है। और इस उबलते हुए इसमें हमने कुछ एक इलायची के 4-5 कुछ दाने हमने निकाल लिए थे, तो उसमें से काली बड़ी इलायची जो है उसके दाने निकाले हैं अंदर से बीज, उसको हम डाल लेंगे। 3-4 दाने इसमें मिला लेंगे। जो खुशबू आती है इलायची की, बहुत बढ़िया खुशबू आती है, और ये उबलते हुए इसमें डाल देंगे और इसको चलने देंगे ऐसे तो 2 मिनट तक, क्योंकि अभी हम इसको देखना होगा एक बार बन जाए। अभी तक ये बना नहीं है, 1 से 2 को चाशनी को एक बार हम चेक कर लेते हैं। अभी काफी टाइम हो गया है, 2 मिनट के बाद में तो देख सकते हैं चाशनी चिपकने लग गई है। और तार वगैरह हमें चेक नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि चाशनी हमारी चिपकनी चाहिए, तो चाशनी हमारी चिपक रही है। इसको हम गैस को बंद कर देंगे। दोस्तों चाशनी हमारी अच्छे से बन गई है और अब हम इसको ये अपना खोआ चेक कर लेते हैं और खोए को तैयार कर लेते हैं। खोआ भी हमारा ऑलमोस्ट पूरा मिक्स हो गया है, पहले हम इसे मिक्स कर चुके थे। एक बार हम हल्का सा और इसे मथ लेते हैं और अब हम इसको गोलियां बनानी है। एक प्लेट ली है दोस्तों हमने, और ये प्लेट में हमने घी लिया है। इसको घी को चारों तरफ फैला लेंगे क्योंकि गोलियां बना बना के इसमें रखनी है हमें। और चलिए अब गोलियां बनाते हैं। छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे, ज्यादा बड़ी नहीं, क्योंकि ज्यादा बड़ी बनाएंगे तो आपके गुलाब जामुन कम बनेंगे, फिर घर के सारे बच्चे नाराज हो जाएंगे क्योंकि सबको हिस्सा नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमें छोटी छोटी गोलियां बनानी ताकि सब लोग, घर के सारे परिवार इस गुलाब जामुन का मजा ले सकें। इसमें हम बीच में थोड़ा सा पिस्ता, काजू और बादाम, ये तीनों चीज मिक्स करके इसको इस तरीके से इसमें मिला के इसको बंद कर लेते हैं। और अब इसको हल्के हल्के हाथों से हम इन गोली बनानी है ताकि स्टफिंग जो है फूटे। इनको हल्के हल्के हाथों से ऐसे ही मतते रहना है और आप देखेंगे कि आपकी गोली जो है बन करके तैयार हो जाएगी। गोली एक बार बन जाए तो फिर इसे छेड़ना नहीं है और हल्के हाथों से प्लेट में रख देना है। हम दूसरी गोली बना लेते हैं। सेम इसी तरीके से हमें इसमें स्टफिंग करनी है, पिस्ता लेना है, कोमल है। तो एक बार और हम फिर से चेक कर लेते हैं कि गोली किस तरीके से बनाई जाए। इसमें बीच में, मावा के बीच में गड्ढा करके इसमें हमें पिस्ता थोड़ा सा, 1-2-3 बारीक पीस, और काजू के बारीक पीस, और हमें बादाम के 1-2 बारीक कटे हुए पीस 1-2 लेके इसमें इसको भर लेना है और पूरा इसको बंद कर देना है अच्छे से। बंद होने के बाद में हल्के हाथों से इसको गोल करना है, बहुत ही हल्के हल्के हाथों से करना है, इस तरह से जैसे कि वो गोल पिस्ता आपका गोल हो जाए, सॉरी आपका खोआ आपका राउंड बॉल की तरह हो जाए और जो स्टफिंग हमने की है वो भी बाहर ना आए। हल्के हल्के हाथों से इसको हमारी बढ़िया से गुलाब जामुन का गोला बढ़िया से बन गया है और अब हम इसको रख लेते हैं। इसी तरीके से हम जितना खोआ है उसके सारे के गोल 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 करके गुलाब जामुन गोल हिस्से में बना लेते हैं। दोस्तों हमारी गोलियां
गुलाब जामुन की अच्छे से बन करके तैयार हो गई हैं, और लगभग ये 25-26 गोलियां हमारी बनी हैं। छोटे साइज की हमने बनाई हैं, एक सार साइज में। बड़ी बनाते तो शायद कम बनता, या और छोटी करते तो ज्यादा बन जाती, लेकिन इतना साइज काफी है। चलिए आइए अब इनको तलते हैं। और तलने के लिए घी लिया है हमने, और घी लगभग काफी अच्छा गर्म हो गया है। एक एक करके गोलियां इसमें धीरे से हम डालते हैं। और इसको घी में हल्का सा पलट लेते हैं। मंदी गैस पे है ये, और मंदी गैस पे ही इसको पकाना है, क्योंकि अंदर तक हमारा जो खोआ है सिक जाना चाहिए अंदर तक। गोलियां बढ़िया से लाल हो गई हैं, और ज्यादा नहीं सेकना इनको, क्योंकि ये ज्यादा सेकेंगे तो फिर एक काला जामुन बन जाएगा, और हमें सिर्फ गुलाब जामुन बनाना है, तो हल्का से गुलाबी रखना इनको। आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया रंग आ गया है, और इनको हम निकाल लेते हैं। गुलाब जामुनों को हम चाशनी में साथ के साथ डाल देंगे। इसी तरीके से और गुलाब जामुन हम तलते रहेंगे। धीरे धीरे इनको पलट लेंगे इसमें। बीच बीच में हल्का हल्का हमको इन्हें चलाते रहना है, ताकि चारों तरफ से एक जैसा कलर आए और अच्छे से ये सिकती रहे, क्योंकि अगर हम इनको छोड़ देंगे तो नीचे से लगने के चांसेस रहेंगे, इसीलिए इनको बीच बीच में चलाते रहेंगे। कलर आप देख सकते हैं बढ़िया कलर आने लगा है। इसको और थोड़ा सा हम 1-2 मिनट और इसका पका के इसको निकाल देंगे। बढ़िया कलर आ गया है दोस्तों, और इसको अब हम निकाल लेते हैं। हमने पहले 4 गोलियां सिर्फ चेक करने के लिए डाली थी, तो दिखाना था कि अभी किस तरीके से आते हैं। बाद में हम 5-6 गोली आराम से तल सकते हैं, और इनको इसी तरीके से चाशनी में पलट देते हैं। गोलियां चाशनी में रहने देते हैं, क्योंकि जितनी देर ये रहेंगी उतना चाशनी का जो रस है वो गुलाब जामुन में अंदर भरता रहेगा। दोस्तों लगभग हमने सारे गुलाब जामुन तल लिए हैं, और बहुत बढ़िया कलर आ गया है, और पूरे गुलाब जामुन जो है बन करके तैयार है। दोस्तों हल्की बहुत गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं, हमसे भी होती हैं, उनको नजरअंदाज कीजिए आप, और कोशिश जारी रखिए। इसी तरीके से बनाते रहिए नई नई चीजें। देखिए गुलाब जामुन किस तरीके से बन करके तैयार हो गए हैं। इनको आप चाशनी जो है इनकी एक चमचे से ऊपर ऊपर इस तरीके से थोड़ा सा डाल दीजिए बीच बीच में। वैसे तो ये डूब गए हैं अच्छे से, और बढ़िया से ये जो है बन करके कम्प्लीटली तैयार हो गए हैं। इनमें कुछ करना नहीं है, बस निकाल के खाना है। मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या हाल है, लेकिन इस समय गुलाब जामुन देखकर मेरे मुंह में बहुत जोर से पानी आ चुका है, और मैं बिल्कुल भी रुक नहीं सकता हूँ। चलिए आइए गुलाब जामुनों को निकाल लेते हैं। दोस्तों गुलाब जामुन को आप इसी तरीके से इसमें रख सकते हैं काफी देर तक, क्योंकि रस इसमें अंदर जाना होता है, लेकिन हम सिर्फ स्वाद के लिए इनको निकाल रहे हैं। बढ़िया चाशनी और सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से ये बन गया है। मजेदार रस भरे गुलाब जामुन बन करके तैयार।